Hello everyone, welcome to OPPedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of UPSC CSAT, today I will discuss the topic calendar. Calendar, easy topic hai, sirf ek concept hai beta, agar wo aapko pata hai, then calendar pe jaisa marji question aa jaye, definitely kar loge aap. और आज के इस वीडियो के अंदर आपको कैलेंडर की इतनी नॉलेज हो जाएगी कि जैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे. ओके तो देखिए, जो एक कंसेप्ट है ओड डेज का, वो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे सो दैट कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए. पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी. ओके तो काफी ईजी वे से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि किस तरह से आप उसको कर सकते हो. ठीक है, तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दो मिनट लेंगे बेटा. यूपीएससी प्रीलिम्स सीसेट कोर्स के लिए अभीपीडिया आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट कोर्स लेके आया है, जिसके अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा. तो जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. जिसने भी ज्वाइन नहीं किया पहले इसको ज्वाइन करिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे. इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, 300+ वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, जिसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियरिंग वीडियोस हैं. हर एक कंसेप्ट क्लियरिंग वीडियो के साथ में एक टेस्ट अटैच किया है, सो दैट कि जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उससे आपकी कितनी आपको समझ आया है, तो उसके लिए टेस्ट आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको पता चल जाता है कि मेरा कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है. ओके इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 4000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है. तो सभी ने इसको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, सभी ने ज्वाइन करना है. ओके हाँ जी, अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कैलेंडर. अब अगर मैं बात करूं बेटा कैलेंडर के, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन वन ईयर हाउ मैनी डेज आर इन वन ईयर. कितने दिन? 365 दिन. सबके माइंड में आएगा मैम बिल्कुल इजी है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं, नोट डाउन करते इतना मैं मान के चल रही हूं कि इतना आपको पता है, 365 डेज. ठीक है, और अगर आपके पास में लीप ईयर है तो लीप ईयर के अंदर 366 डेज, बिल्कुल सिंपल है. अब बात आती है कि अगर इतने दिन है तो ओड डेज कितने होंगे. ओड डेज क्या होते हैं? ओड डेज मतलब कि कितने वीक तो पूरे हो गए, जो रिमेनिंग बच गए वो ओड डेज, जो वीक के अंदर नहीं आ रहे हैं वो ओड डेज. तो उसके लिए करना क्या है, 7 से डिवाइड करना है. अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूं 365 को, 7 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में क्या आएगा, 52 आंसर आएगा, ये तो कोशेंट आएगा. ठीक है, और 1 क्या बचेगा मेरे पास, रिमाइंडर. तो जो रिमाइंडर बच रहा है ना, ये रिमाइंडर क्या है, ओड डे है. बस ये ध्यान रखना, जो रिमाइंडर बच रहा है वो ओड डे है. तो 365 डेज के अंदर कितना है, 1 ओड डे. क्लियर. सेम वे अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, 366 डेज, दैट मींस कि 2 रिमाइंडर बचेगा तो 2 ओड डेज. ओके अब अगर हम बात करते हैं पूरे 100 साल की, ये तो हो गया एक साल. अगर मैं 100 साल की बात करूं तो 100 साल के अंदर 76 ordinary days और 24 leap years. अब बात आती है कि अगर आपके पास में 76 ordinary years है, that means कि कितने हो गए, 76 और days हो गए सीधे. ठीक है, और अगर ये 24 leap years हैं, तो एक leap year में 2 और days, तो 24 में कितने हो गए हमारे पास में, 48. क्लियर, कितना हो गया, 124 और days हो गए. कितने हो गए, 124 और days हो गए. बट फाइनल ओड डे फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, हमने फर्दर उसको 7 से डिवाइड करना है कि रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है आफ्टर डिवाइडिंग 7. तो यहां पे अगर मैं ओड डेज देखूं तो ओड डेज कितना बचेगा बेटा अपने पास में, हां जी 5 ओड डेज बचेगा. क्लियर, तो यही मैंने यहां पे मेंशन किया है कि 100 ईयर्स के अंदर ओड डेज कितने हो गए, 5. 100 के अंदर ओड डेज कितने हो गए, 100 ईयर्स के अंदर ओड डेज 5. डन. अगर मैं 200 ईयर्स की बात करूं तो 100 तो ये अगर 5 है तो 5 into 2 10 10 by 7, दैट मींस कि 3 और डेज. क्लियर, अगर मैं 300 ईयर्स की बात करूं तो कितने हो गए, ये हो गया आपके पास में 5 3 15 7, दैट मींस कि कितना हो गया आपके पास में, 1 और डे. अगर हम 400 ईयर्स की बात करें तो कितना हो गया, 15 चौके 20 प्लस
प्लस यहाँ पे जब आप 400 ईयर की बात कर रहे हो, तो जो ये सेंचुरी होती है बेटा 400 ईयर की, उसके अंदर वो क्या होती है, लीप ईयर होती है। तो एक एक्स्ट्रा ऑड डे आ जाएगा, दैट मीन्स कितना हो गया 21, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 0 ऑड डेज। क्लियर? तो हमें यहां से क्या पता चला कि जो भी सेंचुरीज हमारी 400 की मल्टीपल है, 800, 1200, 16, 2000, इन सभी में ओड डेज कितने हैं, 0 ओड डेज है। कितने ओड डेज हैं, 0 ओड डेज है। सिंपल ये पॉइंट जो है, ये बेटा आपको सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ओड डेज का ही कंसेप्ट, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद में जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे आप। बस ये छोटा सा ही कंसेप्ट था, मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है, इजी है। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है मंथ का। अब मंथ में भी सभी को पता है कि एक मंथ के अंदर कितने डेज, तो अगर आपके एक मंथ के अंदर है 31 डेज, जैसे जनवरी, तो ओड डेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया, 7 से डिवाइड करना है, सिंपल। तो 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो कितना हो गया, 7 4 जो 28, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास में, 3। दैट मीन्स की 3 क्या हो गया आपके पास में, ओड डेज। क्लियर? अब फैब, अगर ऑर्डिनरी ईयर है 28 डेज, दैट मींस कि 0 ओड डेज हो गया, 29 डेज, दैट मींस कि 1 ओड डे हो गया। क्लियर? जिस मंथ में 31 डेज उसके अंदर नंबर ऑफ ओड डेज 3, जिस मंथ में ओड डेज सॉरी नंबर ऑफ डेज 30, उसमें ओड डेज कितने हो गए, 2। क्लियर? इस पॉइंट पे किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो तभी आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? सिंपल सा पॉइंट है बेटा। क्या करना है अपने, जैसे 30 डेज है, 7 से डिवाइड किया, 7 4 जो 28, बचा कितना रिमाइंडर आपके पास, 2। जो रिमाइंडर है वो ओड डे है। क्लियर? ओके, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप देखो कितना इजीली आप लोग कर लोगे। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन क्या है, टू डेज मंडे, टू डेज मंडे, देन आफ्टर 60 डेज इट विल बी, 61 डेज के बाद कितने क्या डे होगा। अब यहां पे आपके पास में डे कोई भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने भी गिवन हो सकते हैं। तो कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उस केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ओड डेज फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ ओड डेज कैसे फाइंड आउट करोगे, आज से 61 डेज के बाद, दैट मीन्स कि कितने हो गए, 61, इसको क्या करना है हमने, 7 से डिवाइड करना है, 7 8 जा 56, ठीक है। कितना बच गया आपके पास में रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास में, 5। दैट मींस कि 5 क्या हो गया आपके पास में, ओड डे हो गया, मींस मंडे से आफ्टर 5 डेज क्या डे होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सीधा आंसर है, क्या आ गया आपके पास में, सैटरडे। बताइए इजी था, सभी को क्लियर है, कोई डाउट आ रहा हो किसी को, सभी को क्लियर है, ओके। क्या जाएगा आपके पास, सैटरडे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इट वाज संडे ऑन 1 जैन 2006, व्हाट वाज द डे ऑन द वीक 1 जैन 2010। अब यहां पे देखो, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, आप देखो कितना इजी है, 1 जनवरी 2006 को क्या कहे क्वेश्चन में, संडे है, 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। अब यहां पे आप देखिए, डेट सेम है, मंथ सेम है, डिफरेंस इज ओनली इन द इयर्स, सिर्फ ईयर का फर्क पड़ रहा है। तो अब नंबर ऑफ ओड डेज कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो जब हम ओड डेज की बात कर रहे हैं तो ओड डेज आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो मंथ, डे और मंथ, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया एक दूसरे से, सीधा सीधा, ठीक है। अब सिर्फ हमारे पास फर्क किसकी वजह से आ रहा है, ईयर की वजह से। अब ईयर कंसीडर करो, क्या है, 2006 7 8 9 एंड 10, ओके। अब यहां पे देखिए, जो 2006 है, 2006 के अंदर नंबर ऑफ ओड डेज कितने होंगे, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, दिस इज ऑर्डिनरी ईयर और ए लीप ईयर, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अगर ये पॉइंट स्किप कर दिया, दैट मींस कि वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2006 ऑर्डिनरी ईयर, दैट मींस कि नंबर ऑफ ओड डेज 1, 2007 ऑर्डिनरी ईयर, नंबर ऑफ ओड डेज 1, 2008 लीप ईयर ऑर्डिनरी,
तो नंबर ऑफ ओड डेज कितने होंगे, 2, 9, 1। अब देखो 10 का तो मैंने फाइंड आउट करना है, 2010 तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है अभी, तो इसको हमने कंसीडर नहीं करना। जब आप ओड डेज कैलकुलेट करते हो, इन दैट केस जिस ईयर का हमने फाइंड आउट करना है, जो बाद में गिवन है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका हम ईयर नहीं कंसीडर करेंगे। ओके सॉरी, कितना हो गया, 5 ओड डेज हो गया। दैट मींस कि जो डे है उससे आगे 5 पे चले जाओ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। दैट मींस कि आंसर क्या आ गया आपके पास, फ्राइडे विल बी द करेक्ट आंसर। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्या है, 6 मार्च 2005 को क्या गिवन है आपके पास, मंडे गिवन है। देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक, 6 मार्च 2004। कह रहा है कि 4 को क्या होगा, 4 को क्या होगा, तो 4 के लिए हमने बैक जाना। एक तरह से क्या कह रहा है मुझसे कि 6 मार्च 2004 को क्या होगा। ओके अब देखो, अगर मैं यहां से ऐसे आते हूं, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने कैसे किया, ऐसे देखा हमने 6 से 10, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, स्मॉलर से नेक्स्ट ईयर की तरफ हम बढ़ेंगे। तो यहां पे देखिए, डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर का डिफरेंस आ रहा है। 2000 से 4 से किस पे गए हम, 2005 पे, तो किसको कंसीडर करेंगे हम, सिर्फ 2004 का ओड देखेंगे। तो नंबर ऑफ ओड डेज कितने बने, हाँ जी। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। 2004 इज ए लीप ईयर, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ ओड डेज कितने हो गए हमारे पास में, 2। बट यहां पे देखिए कि जो ओड डेज का डिफरेंस आता है वो किसकी वजह से आता है, फेब मंथ की वजह से आता है, क्योंकि फरवरी के अंदर ही आपके पास में 28-29 दिन होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो पर मार्च गिवन है, मार्च गिवन है, दैट मीन्स फरवरी तो निकल चुकी, 2004 की फेब तो बीच में आई ही नहीं, आई नहीं। दैट मीन्स कि ये जो ओड डे है, ये हम 2 की बजाय फिर हम क्या कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। ओके कितना कंसीडर करोगे, 1 ओड डे आ गया बेटा। ओके तो अब क्या करना हमने, यहां से बैक जाना। अगर प्रीवियस का पूछे तो क्या करना हमने, बैक जाना। दैट मीन्स कि इसके अंदर से हम -1 करेंगे, मंडे, मंडे से पहले, मंडे से पहले क्या आएगा, संडे। तो क्या आंसर आ गया आपके पास, संडे विल बी द करेक्ट आंसर। ओके सो आंसर विल बी संडे। डन, थोड़ा डाउट है तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्लियर हो जाएगा। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर ना, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, अब देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्या है, 8 फेब 2005 को क्या है, ट्यूसडे है। देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक, 8 फेब 2004 को क्या होगा, ये आपको बताना। अब यहां पे 8 फेब है, मींस कि अभी फरवरी का पूरा महीना पड़ा है, 29 फरवरी आने में टाइम है, 28-29 के अंदर फर्क है। तो यहां पे आप देखो, डेट सेम है बेटा, मंथ सेम है, सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द ईयर। तो ये कितना, 2004, एंड 2004 क्या है, लीप ईयर है, फेब के अंदर कितने दिन होंगे, 29 डेज होंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ ओड डेज कितने होंगे, 2। तो यहां पे ओड डेज कितने हो गए हमारे पास में, 2 ओड डेज हो जाएंगे। सो क्या करेंगे हम, यहां से -2 करेंगे। सो ट्यूसडे, ट्यूसडे से -1, मंडे, मंडे से -1, संडे। सो आंसर विल बी संडे। आई होप क्लियर है सभी को, कि अगर मान लो ये इस तरह से क्वेश्चन आता है और यहां पे कोई भी लीप ईयर गिवन है, यहां पे आपने मंथ को चेक करना है, इफ दिस इज जैन और फेब, इन दैट केस ओड डेज कितने लोगे आप, 2 ओड डेज लोगे, ठीक है। अगर यहां पे आ रहा है मार्च से लेके
दिसंबर तक कोई भी मंथ आ रहा है, इन दैट केस यू विल टेक वन ओ डे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इफ ऑन 5th अप्रैल 2008 वाज मंडे, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 5th सितंबर. अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन में क्या था, मंथ और ईयर, सॉरी मंथ और डे दोनों सेम थे, बट यहां पे क्या है, सिर्फ आपके पास में डेट सेम है, मंथ भी डिफरेंट है, क्या है सितंबर, और साथ में ईयर सेम है. क्या आ रहा बेटा, ईयर यहां पे सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका आ रहा है, मंथ का डिफरेंस आ रहा है. तो अब यहां पे देखिए, ये तो एक दूसरे के साथ में कैंसिल आउट ही हो गए, इसके लिए तो हमने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, सीधा सिर्फ फोकस करो, क्वेश्चन को लंबा नहीं करना हमने, कि हाँ जी एक एक पॉइंट को कंसीडर करोगे, एक सिंपल छोटे से क्वेश्चन के ऊपर हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाना. सीधा यहाँ पे देखो भाई, अप्रैल से सितंबर तक की वजह से गैप है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. अब जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया कि जो यहाँ पे चल रहा है उसको कंसीडर नहीं करना आपने, उसको मैं बार बार बता रही क्योंकि यही गलती करते हैं बच्चे एग्जाम के अंदर, तो इसको कंसीडर नहीं करना है. ओके, अब नंबर ऑफ ओड डेज बताओ मुझे, अप्रैल, अप्रैल के अंदर कितने डेज, 30, दैट मींस की नंबर ऑफ ओड डेज 2, अप्रैल मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ ओड डेज, हो गया 5, 5, 10 एंड 3, 13. क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करो, सिंपल. ओड डेज कितने बच गए आपके पास में, हाँ जी 6 ओड डेज बच गए, तो 6 ऐड करिए आप, मंडे के बाद 6, मंडे टू 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, सो आंसर विल बी संडे. क्लियर है सभी को, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को, देखिए जो मंथ गिवन है उसमें देखो नंबर ऑफ डेज कितने हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको कि हर बार डिवाइड करो 7 से, नहीं सबका टोटल करने की जरूरत नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ डेज को सभी को टोटल करो फिर डिवाइड करो, उसमें टोटलिंग में ही आपका काफी टाइम लग जाएगा. सिंपल ये देखो क्या है, अप्रैल, अप्रैल में कितने 2, उसके बाद मई, सीधा सा 31 डेज वाला जो मंथ है उसमें 3 और डेज होंगे, ठीक है, 30 वाला मंथ है उसके अंदर 2 और डेज होंगे, ठीक है, सभी को टोटल करेंगे 6, 7 से डिवाइड करेंगे, जितने भी और डेज बचेंगे उतने ऐड कर दोगे आप. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10th मई 1997 इट वॉज मंडे, देन 10th अक्टूबर 2001 को क्या होगा. अब यहां पे अगेन आप देख रहे हो डेट तो सेम है, मींस कोई इश्यू नहीं है. अब हमारे पास में डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, मंथ की वजह से और दूसरा ईयर की वजह से. तो अगर हम मंथ का देखें तो मंथ में ओड की वजह से जो ओड डेज बनेंगे बेटा वो क्या है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को कंसीडर नहीं करना है. ओके, तो कितना हो गया आपके पास में, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, कितना हो गया, 5 और 6, 11 और 2, 13, दैट मींस की 6 ओड डेज. क्लियर. अब हम आते हैं ईयर पे, अगर हम ईयर का कंसीडर करते हैं 1997, 98, 99, 2000, 2001 को कंसीडर नहीं करना है. 1997 नंबर ऑफ ओड डेज 1, ओके 1, 1, 2000 इज लीप ईयर दैट मींस 2, कितना हो गया आपके पास 5. अब टोटल अगर मैं देखूं तो टोटल नंबर ऑफ ओड डेज कितने हो गए, इन दोनों को एड अप कर देंगे हम, कितना हो गया आपके पास में 11, 7 से डिवाइड किया कितना बचा आपके पास में 4 ओड डेज. यहाँ पे 4 कैसे आता है, ध्यान है ना सभी को, सिर्फ मैं रिमाइंडर देख रही हूँ बेटा, हमें क्वोशेंट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपने रिमाइंडर पे फोकस करना है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास में 4, दैट मींस कि 4 और डेज आ गया आपके पास, और डेज दैट मींस कि वो आपने आगे फर्दर ऐड कर देना है. मंडे के अंदर 4 ऐड करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सो फ्राइडे विल बी द करेक्ट आंसर, सिंपल, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, फ्राइडे.
हाँ जी बताइए, किसी को कोई डाउट इसमें? तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे, कर लेंगे डेफिनेटली। आप देखते कि सारे डिफरेंट हो, फिर क्या करोगे आप? यहाँ पे देखिए क्या, इफ 15th अगस्त 2011 वाज ट्यूसडे, देन व्हाट वाज द डे 17th सितंबर 2011। चलो इसमें तो ईयर सेम है, एक बार खुद से ट्राई करो, सारे के सारे वीडियो को पॉज करके सभी ट्राई करो। क्या है 15th अगस्त 2011, क्या गिवन है बेटा? ट्यूसडे। क्या पूछ रहे हैं आपसे? 17th सितंबर 2011। ईयर सेम है, ठीक है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहां से भी इंक्रीजिंग में है, दैट मींस क्या हो गया, टू और डेज। यहां से अगस्त, अगस्त के बाद में सितंबर है, सितंबर का तो लेना ही नहीं, सिर्फ अगस्त को आप लेके चलोगे तो अगस्त के अंदर कितने, थ्री और डेज, टोटल फाइव और डेज। फाइव और डेज, फाइव ऐड कर दो, ट्यूसडे के अंदर फाइव ऐड करेंगे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? संडे विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो योर आंसर विल बी संडे। हाँ जी बताइए, क्लियर सभी को? कोई भी डाउट आ रहा हो, डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इफ अप्रैल 11 2019 वाज ट्यूसडे, अभी आपके पास में डेट, मंथ, ईयर गिवन है, ट्यूसडे, व्हाट वाज द डे ऑन सितंबर 17th 1915। दैट मींस हमारे पास डेट भी डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है और ईयर भी डिफरेंट है। ओके, अगर समझ आ रहा है सभी शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, जितनी आपकी शेयरिंग होगी उतने ही वीडियोस आपको मिलेंगे ज्यादा, ठीक है ना? जितनी शेयरिंग होगी, जितने व्यूज बढ़ेंगे, जितने लाइक्स आप बढ़ाओगे, उसी के हिसाब से नंबर ऑफ वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे बेटा। तो इसलिए मैक्सिमम शेयरिंग चाहिए मुझे, मैक्सिमम शेयरिंग। ओके, सो देखिए क्या फाइंड आउट करना है आपको, 17th सितंबर 1915 का आपको फाइंड आउट करना है, दिस इज ट्यूसडे, क्लियर? आप यहां पे देखो, डेट भी डिफरेंट, मंथ भी डिफरेंट, ईयर भी डिफरेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट समझ आ गया ना, बस फिर क्या है? अगर हम डेट की बात करें तो डे के अकॉर्डिंग क्या हो गया, सिक्स और डेज हो गए, 11 11 12 13 14 15 16 तक कंसीडर करना, 17 को नहीं कंसीडर करना, ध्यान रखना। ओके, अगर हम मंथ की बात करें तो मंथ से और डेज कितने हो गए, मंथ क्या है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, कितना आ गया आपके पास में, अप्रैल 30 डेज, दैट मींस कि टू और डेज, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, कितना हो गया बेटा ये आपके पास में, हो गया 13 13 बाई 7, दैट मींस 6, क्लियर? ईयर की अगर हम बात करें तो ईयर में देखो 11 से शुरू करेंगे, 11 12 13 एंड 14, 11 ऑर्डिनरी ईयर, दैट मींस कि नंबर ऑफ ओड डेज कितना, 1, लीप ईयर कितना, 2, ऑर्डिनरी ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर, कितना हो गया आपके पास में, 5, सभी का टोटल करो तो ओड डेज कितने आ गए आपके पास में, दिस इज 6 प्लस 6 प्लस 5 17 17 बाई 7, कितना बच गया आपके पास में? अब मुझे क्या ध्यान देना है, सिर्फ रिमाइंडर पे फोकस करो एंड द रिमाइंडर विल बी 3। ओके, 3 ऐड कर देंगे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सो आंसर क्या आ गया बेटा, फ्राइडे। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसमें? क्लियर है सभी को? बस यही कंसेप्ट है जो आपका बार बार आपको समझना है, बार बार यूज होगा आपका कंसेप्ट। अगर आपके ईयर, मंथ, डे सब डिफरेंट है तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है। हाँ जी, एक क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे माइंड में क्या आएगा कि क्या है आपके पास में, डेट गिवन है कि 15th अगस्त 2012 को हमारे पास थर्सडे गिवन है, डे कौन सा है, थर्सडे, तो कह रहा है कि बताओ 11th जून 2013 को क्या होगा। अब यहां पे हमने देखा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सभी नोट डाउन कर लेंगे
कि अगर हमारे पास में इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है कि तीनों डिफरेंट है, डे भी डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है और ईयर भी डिफरेंट है, तो सीधा हमारे माइंड में क्या आता है कि हाँ जी माइनस कर लेंगे आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे छोटा सा पॉइंट देखो क्या है कि हमारा एक साल भी कंप्लीट नहीं हो रहा, एक साल भी कंप्लीट नहीं हो रहा और कुछ कॉमन भी नहीं है कि चलो हम पर्टिकुलर उसका ओड डे हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हमने क्या देखना है कि आपको सभी मंथ्स ही कंसीडर करने पड़ेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। कब? तब यहाँ पे आपका वन ईयर कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं 15 अगस्त 2012 से लेके 11 जून 2013 तक देखूं तो पूरा एक साल नहीं हो रहा ना कंप्लीट। कहां पे ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट, जहां पे वन ईयर कंप्लीट नहीं हो रहा और तीनों ही डिफरेंट है, ओके। तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त तक का तो टाइम गया, कितने दिन बच गए अगस्त में, कितने हैं 31 डेज, दैट मींस कि एक मिनट, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ओके ये बन रहा है अपना। अब यहां पे ध्यान से देखिए, अगस्त 16 डेज बच गए, इसके रिमेनिंग कितने हैं 16, दैट मींस कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए, 7 से डिवाइड करेंगे कितना बच गया आपके पास में, 7 × 2 = 14, 2 बच गया, क्लियर। अब उस अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर कितने दिन, 30 डेज, दैट मींस कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने बेटा 2, तो कितना हो गया आपके पास में 2, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब यहाँ पे ध्यान दो, फैब किसकी है, 2013 की फैब है, दैट मींस कि क्या है 28 डेज है, दैट मींस कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए 0, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। अब यहाँ पे देखिए जब हम आते हैं जून पे तो जून तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, जून का कितना है 11th जून कह रहा है वो, तो 11th है, तो 11th को अगर हम देखें तो 11th से नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 7 से डिवाइड करोगे, क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो गया 7 × 4 = 11, 7 ऑफ डे, सभी का टोटल कर लो, कितना हो गया आपके पास 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 7, 7 × 2 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 3 = 15, 15 × 5 = 20, 20 × 7 = 27, तो टोटल कितना हो गया आपके पास में 27 ऑन डेज। अगेन क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, ओके कितना बच गया आपके पास में 6 ऑन डेज बच गया। पॉइंट इज क्लियर। थर्सडे के बाद 6 देखो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो क्या आ जाएगा आपके पास में वेडनेसडे विल बी द कलर। पॉइंट इज क्लियर, कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है, हाँ जी इंपॉर्टेंट था ये, कंफ्यूज नहीं होना सभी ने भी, अगर इस तरह का भी आ जाता है तो कर लोगे आप एग्जाम के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट टाइप पूछी जाती है एग्जाम में बार बार, ये देखिए क्या, द कैलेंडर फॉर 2007 विल बी सेम फॉर द ईयर, जो 2007 का कैलेंडर है वो कौन से ईयर का सेम होगा। तो देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो सेम कैलेंडर कौन से ईयर का होगा, जब नंबर ऑफ ओड डेज 0 होंगे, बीच में अगर इन बिटवीन नंबर ऑफ ओड डेज 0 होंगे तभी आपका कैलेंडर सेम आएगा, ओके। तो नंबर ऑफ ओड डेज कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो यहाँ पे मंथ और डेट का तो कोई सीन ही नहीं है, सिर्फ ईयर ईयर है, ईयर ईयर है। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 2007, ठीक है, 7 से अब हम देखते हैं कि कितने साल के बाद, 7 के बाद क्या आएगा बेटा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये जस्ट एक बार समझाने के लिए लिख रही हूँ, इतना जरूरत नहीं है आपको, एक बार समझ लीजिए, ध्यान से कंसेप्ट को समझो, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर ना। तो अब देखो 2007 के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज कितने, 7 के अंदर, ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है दैट मींस कि 1 ऑड डे होएगा, ठीक है। 2008 के अंदर 2 ऑड डेज होंगे, one odd day, two odd day, one, okay, one, one, two, one, 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 two, इस तरह से बनेगा, ऐसे ही बनेगा। बट ये ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिखते जाओ, ऐसे ही लिखते जाओ, साथ साथ माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए आपके, साथ साथ कैलकुलेशन होनी चाहिए। जैसे अब की ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो सीधा देखो 2007, 7 के अंदर कितना 1, 8 के अंदर 2, 1, 2, 3 ऐसे कैलकुलेट करना, तो कितना हो गया हमारे पास में, हाँ जी बेटा 3, लिखने की क्या जरूरत है, देखो ये हो गया हमारे पास 3,
4, 5, 6, 6 to 8, 9, 10, 11, 11 to 13, 14. यहाँ पे जाके क्या बना मेरा 14. कब तक चलना है? जब तक 7 का मल्टीपल नहीं आ जाता. हमें पता है कि नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना. तो हमने कब तक चलना है ऐसे, जब तक मेरे पास में 7 का मल्टीपल नहीं आ जाता. जैसे ही 7 का मल्टीपल आया, दैट मींस कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए आपके पास में, 0 डेज. और जैसे 0 डेज हुआ, दैट मींस कि इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है उसका कैलेंडर सेम होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर कौन से आ रहे हैं हमारे पास में, 2018. इनको नहीं लेना सीधा 2018. सो 2018 विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? कब तक ऐड करना है? जब तक आपके पास में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 नहीं आ जाते. क्लियर? सो आई होप सभी को समझ आ रहा होगा, सभी को समझ आ रहा होगा. ओके, क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल फॉर टूडे. जिसने अभी तक 7 डेज ट्रायल को ज्वाइन नहीं किया है, सभी ज्वाइन कर लेंगे. कुछ स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आ रही थी लास्ट क्लास में भी, मैंने कहा है. कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम क्या डायरेक्टली भी हम कोर्स ले सकते हैं 7 डेज के ट्रायल की बजाय, डायरेक्ट कंप्लीट कोर्स? बिल्कुल ले सकते हो आप, सीधा कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हो. ओके, और दूसरा, टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सभी ने ज्वाइन करना है. और जो क्विज आ रही है आपकी फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे, उनको सभी ने सॉल्व करके आंसर भी करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. थैंक यू सो मच. क्लास इज ओवर.